चल चित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सबसे ज्यादा तो शोषण हुआ है सरकार में वाल्मीकि समाज के साथ हो रहा, कोई देख कोई रेख नहीं, वोट के नाम पे से हिंदू बना दिया जाता, उल्टा और आउट ऑफ सोर्सिंग पे लाकर इन्हें टेक दिया गया है, यानी कि मजदूर सदैव मजदूर रहे, गरीब रहे। ठेका प्रथा से जो है गरीब परिवार जो है अपने बच्चों को न पढ़ाई लिखाई दे रहा है, न अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा है। नमस्कार साथियों, सीसीए में आपका स्वागत है। आज हम मेरठ में हैं और मेरठ में दक्षिण विधानसभा की जो सीट है उस पर हम आए हैं। यहाँ के एक कॉलोनी है जय भीम नगर, जहाँ पर हम आज वाल्मीकि समाज से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनको लेकर उनकी क्या उनके क्या मुद्दे हैं, वो किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं, इसी बात को जानने के लिए हम लोग बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश कुमार बहुत है। विधानसभा चुनाव है जी, और इन चुनाव में क्या इस समाज की भी पूछ हो रही है, क्या लोग इन लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं या पिछले 5 सालों में कुछ काम किया है या नहीं इस समाज के लिए? नहीं, विशेषकर यदि मैं वाल्मीकि समाज की बात करूँ, जैसा आपने सवाल किया है, तो इसकी पूछ के मामले में तो इसकी कोई यहाँ जिले मेरठ में तो पूछ है नहीं, क्योंकि सभी पार्टियों ने जो टिकट के मामले में बिल्कुल बैक कर दिया है ना, और यहाँ कोई सी भी पार्टी रही हो कोई से ने भी टिकट नहीं दिया, क्योंकि यहाँ इन्होंने एक तरीके से बहुत मतलब नकार दिया है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो दावेदारी कर रही है जी, क्या उन पार्टियों में इस इतने बड़े तबके को भी हिस्सा कुछ दिया है इस देश की राजनीति ने, आप कैसे इसको देखते हैं? जी, इन्होंने जो बहुत बड़े तबके में कुछ भी नहीं दिया। मैं तो जो सर्विस लाइन है, एक मजदूर का जिक्र ज़्यादातर विशेषकर यह है जो तबका है वो वाल्मीकि समाज मजदूर वर्ग से है, और ये छोटी छोटी नौकरियों में चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, लेकिन उन दोनों में ही इन्हों की अनदेखी हो रही है लगातार 20-20 साल। वो लेकर यहाँ से और सेंटर तक, चाहे टाउन एरिया हो चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे नगर निगम हो, सभी में अनदेखी की जा रही है। उनका जो आज ज्वाइनिंग करिए वो चाहे 10 साल हो जाओ चाहे 20 साल हो जाओ, किसी को कोई परमानेंट बेसिस नहीं है, उल्टा और आउट ऑफ सोर्सिंग पे लाकर इन्हें टेक दिया गया है, यानी कि मजदूर सदैव मजदूर रहे गरीब रहे, ऐसी मानसिकता बराबर लगातार चलती आ रही है और वो हावी है। वाल्मीकि समाज से एक बड़ा तबका नगर निगम में काम करता है, और अभी निजीकरण का क्या किस तरह से असर हुआ है इस समाज पर, या इन मुद्दों को लेकर भी बातचीत हो रही है इन चुनाव में या नहीं? देखिए, निजीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे सरकारी नौकरियां तो मिलती नहीं है, आरक्षण भी खत्म किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये निजीकरण तो समाप्त होना ही चाहिए। निजीकरण में आमदनी कम है, और जैसा कि बेरोजगारी है और महंगाई चरम स्तर पर है, तो स्वतः ही इस महंगाई के दौर में गरीब परिवार बच्चे अपने नहीं पाल सकता, तो ये निजीकरण तो खत्म होना ही चाहिए। ठेका प्रथा जैसे दोबारा शुरू हुई है कि अब ठेके पर नौकरियां दी जा रही है नगर निगम में भी, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या आपके रोजगार पर फर्क पड़ता है? ठेका प्रथा तो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। ठेका प्रथा से जो है गरीब परिवार जो है अपने बच्चों को न पढ़ाई लिखाई दे रहा है, न अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा है, तो ठेका प्रथा तो इस समाज के लिए बिल्कुल बेकार। लेकिन प्रधानमंत्री तो इसी समाज के पैर धो के दिखा रहे हैं कि इतना बड़ा सम्मान एक वाल्मीकि को दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ इनके रोजगार की भी बात मैं पूछूंगा कि क्या हुआ क्या है पिछले 5 साल में। सर, पैर छूने वाला मुद्दा तो हुआ है कि भाई एक सरकार का अपना एक ढोंग रचाना के पे दलित हो गए पैर धोते प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा काम कर दिया। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ काम करना था तो इन्हें रोजगार देने का काम करना था। आज ये लोग सबसे ज्यादा गरीबी स्थिति में है, 9,000 रुपए की तनख्वाह में क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? एक तरफ तो बीजेपी के नेता कहते हैं भाई प्रधानमंत्री जी ने अभी निकाला था कि बेटी पढ़ाओ शिक्षित कराओ, शिक्षित समाज ये सबसे दलित समाज में सबसे कुचला हुआ समाज है जो बिल्कुल हर वक्त कुचलता आया हुआ है, ये 9,000 रुपए में क्या तो अपने बच्चे पढ़ाएगा, क्या खाएगा, क्या करेगा? हम पूछना चाहते हैं कि जो बीजेपी सरकार में किसी भी सरकार में MLA MP
सरकार हर बात उन पे तो ध्यान देती है कि भाई इनका भत्ता बढ़ा जाए, इनका ये बढ़ा जाए, इस समाज पे क्यों ध्यान नहीं देती? आप एक महिला है और इस देश में एक बड़ी घटना हुई इसी समाज की लड़की के साथ, हाथरस की घटना, उसको आप कैसे देख रहे हैं? एक महिला होने के नाते आप कैसे महसूस करते हैं? मैं इतना बुरा महसूस करती हूँ, ये जो चल रही है सरकार, के बहुत दिल पे चोट पड़ती है। और मैं दिल्ली में भी गई थी, घटना हुई थी एक बच्ची के साथ में, तो मैंने, पंडित थे वे लोग, तो इस बात का भी मुद्दा बनाया गया, नांगल का मामला था। हाँ हाँ, तो इस बात का भी मुद्दा उठाया कि आपने पंडितों को गाली बक दी, अगर आपकी बेटी के साथ में ये हो, ये मैं कुल्लाब भी बोल रही वाल्मीकि समाज की हूँ, तो मेरी बेटों के साथ में गलत हुआ है, तो मैंने बोला, तो मेरी आवाज सबको चुप रही है, जो मैं आवाज उठाती हूँ अपने समाज की, तो मेरे अंदर ही अंदर घृणा करी जा रही है मुझसे, आज भी मेरे साथ में घृणा करी जा रही है, वाल्मीकि समाज की हूँ मैं। आप कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं देश में हुई है, जी हाँ, समाज के साथ, आपको क्या लगता है कि एक महिला होने के नाते, जैसे एक बड़े तबके को सपना दिखाया गया उज्ज्वला गैस थी, इसको आप कैसे देखते हैं? आज उसकी स्थिति क्या है जो महिलाओं से वोट ले ली गया गैस के नाम पर? ये बहकाया गया महिलाओं को, यहाँ तक कि गरीब महिलाओं को लालच दिया गया, जो अपनी तरफ वोटें करी गई, तो ये बहलाने का काम था, पूरा पूरा दावा क्या है बहलाने फुसलाने का, क्योंकि महिलाएं ज्यादा, हमारी बहनें मान वो नहीं है, तो ज्यादा महिलाओं को, इसलिए महिलाओं को कहा है हम पैसे डालेंगे, वो नहीं डाले गए, पैर तो मैं भी किसी के धो लूंगी, तो ऐसे नहीं बनते, कर्म से उनके लिए उठी, हमारे समाज के लिए कोई नहीं आवाज उठाता। अब जो टिकट हुए हैं, तो वाल्मीकि समाज को हमारे मेरठ के अंदर कहाँ टिकट हुए हैं, हमारा वाल्मीकि समाज पीछे छोड़ दिया है, तो सभी हमारे बलिदानों को, और जो हमारा वाल्मीकि समाज सबके लिए एक होता है, हर किसी की आवाज उठाता है, कोई भी जाति धर्म से हो, तो सबके लिए लड़ता है वाल्मीकि लड़ाई। तो मैं महिला के नाते कहूंगी कि सभी बहनों के लिए ही बोल रही हूँ, ये जो ये मानव एकता वाले हैं, ये भी आवाज उठाते हैं, ये कोई जाति धर्म नहीं देखते, ये सभी के लिए खड़े होते हैं, तो बताइए हमारे वाल्मीकि समाज को देख कहाँ रहे हैं? जो भी अगर ऐसी कोटे से कोई लड़की निकल के आती है, तो उसका लिस्ट में पीछे नाम डाल देते हैं, सिर्फ वहां पे अपर और जो एक ऊंचे वर्ग वाली जो जात से लड़कियां आती हैं, ये लड़के आते हैं, उन्हें आप आगे भेज देते हो। 3 साल से वहां कोई भी हमारे समाज के या दलित समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है, ना दिया जा रहा है, तो हो ही नहीं रही कुछ भी 5 साल में। इस समाज इसमें जो राजनीति चल रही है, तो मतलब खुलेआम चल रही, सबको बताया था, आप जब पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ उन बातों को, ये तो खुलेआम चल रहा है कि जो भी दलित समाज से आता है, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दो। आप कहते हो, आप जब भी आपका इलेक्शन होता है, आप हर जगह कर्फ्यू लगाए तो कोरोना फैला देते हो, आप कहते हो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए आपने, आप कहते हो ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए पता कितना चाहिए उसे? मोबाइल चाहिए। हम उसे 10,000-20,000 मोबाइल कहाँ से ला के देंगे? हमारी खुद आमदनी आप 8,000 है, हम नाली झाड़ू का काम कर कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी वजह से हमारे बच्चों ऑनलाइन कैसे पढ़ लेगा, नहीं पढ़ सकेगा। आप कहते हो कि हमने स्मार्टफोन बांटे, एक भी वाल्मीकि समाज के बच्चे दिखा दो जिसको आपने दिया हो, नहीं दिया है ना, दे सकते हो आप, क्यों डरते हो आप? इस समाज का कोई बच्चा आगे ना जाए, शिक्षा में ना जाए, खेल में ना जाए, आए नहीं सकता, आने नहीं दे सकते आप, कहाँ आ रहा है बताइए? एक भी आप कोई भी सरकार आती है, कहते हैं हमने इतने लैपटॉप बांटे, इतने ये स्मार्टफोन बांट रहे हैं, एक भी वाल्मीकि समाज की लड़की लड़के को आपने स्मार्टफोन या लैपटॉप दिया? नहीं दिया, आप दे ही नहीं सकते, जिसमें नाम ही नहीं है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, यहाँ का विधायक जो है वो बीजेपी से है, 5 साल खत्म समाप्त हो चुके हैं, चुनाव की प्रक्रिया जा रही है, चल रहा है, इसका माहौल बन रहा है, हमारे विधायक इस क्षेत्र में एक दिन भी नहीं आए। आज के दौर में लोग चांद तक पहुंच गए हैं, सीवर में जो लोग मरते हैं वाल्मीकि समाज से, शहीद होते हैं, मैं शहीद ही कहूँगा, उनकी एक बड़ी संख्या है हर साल, अगर आप आंकड़े देखोगे। क्या ऐसी व्यवस्थाएं अभी तक ऐसे राजनेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने क्या सोचा है कि इंसान की जान किसी तरह बचे और ऐसे टेक्निकल तौर को भी लाया जाए? हम आईफोन है हमारे हाथ में, तो इतने सारे टेक्निकल दौर में ये क्यों नहीं किया जा रहा है अभी? सर, जैसे कि नगर निगम के या ये बोलो कि सफाई जो सीवर लाइन के जो मजदूर होते हैं नगर निगम से, सर ना ही तो उन्हें ऑक्सीजन मिलती है सीवर में डालने के लिए,
और ना ही कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए खड़ी होती है। बस क्या है, उन्हें काम बता देते हैं, वो भी अपनी नौकरी बचाने के लिए जो अधिकारी का दबाव आता है वो सीवर में डल तो जाते हैं, ना ही तो उसके अंदर गैस का पता कितनी खतरनाक गैस होती है, और ना ही उन्हें अपनी जिंदगी मौत का पता, सिर्फ उन्हें अपना परिवार दिखता है कि मेरा पालन पोषण कैसे हो जाए, मेरे बच्चे बढ़ जाएं आगे, पढ़ाई लिखाई में आगे चलें। कपिल जी ये बताइए, अभी जैसे सीवर मजदूरों की बात हो रही है, ऐसे सुरक्षा के साधन मुहैया कराए जाते हैं जिनकी जरूरत है, एक बेसिक जरूरत होती है, अगर कोई मजदूर सीवर में उतर रहा है उसके उसको जूते या ग्लव्स या हेलमेट, इस तरह की व्यवस्थाएं ये प्रशासन या सरकारें करती है यहाँ की? नहीं सर, ऐसा कुछ सरकार कोई नहीं करती, उनको छोड़ दिया जाता है, गटर में घुस जाओ ना सर। सबसे ज़्यादा तो शोषण हुआ है सरकार में वाल्मीकि समाज के साथ हो रहा, कोई देख कोई रेट नहीं, वोट के नाम पे से हिंदू बना दिया जाता, वोट लेने के बाद से शूद्र एक तरफ निकाल कर फेंक दिया जाता, इससे घृणा कर जाती है। इस समाज के लिए कुछ इस सरकार ने कुछ नहीं कर दिया। एक बड़ा तबका नौजवान जो है मेरठ जैसे बड़े शहरों में, रोजगार की क्या स्थिति है? सर नौजवान पे इतना फर्क पड़ा कि मेडिकल लाइन हो या नगर निगम लाइन हो, कोई भी कर्मचारी हो, मतलब 9,500 की नौकरी वो कर रहा है, अपने बच्चों को कैसे पालेगा वो, ना ही तो वो स्कूल देख पाएगा, ना अपना स्वास्थ्य देख पाएगा, और ना ही कोई अपनी बच्चों के लिए क्या कर पाएगा 9,500 की नौकरी में। तो मैं तो ये जानता हूँ कि बहुत ही शोषण हो रहा है बिरादरी के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ, तो आप इसकी जो भी है के मुख्यमंत्री से और ये बात रखें कि जी हमारे वाल्मीकि समाज का जो मसला है, इसे हम अपने आर्थिक स्थिति को कैसे लेकर चलें, और वाल्मीकि समाज तो बहुत ही भोला व्यक्तिगत भोला आदमी बताया गया है कि जी समाज बहुत भोला है ये, और जिसके साथ जिसने भी ये कहा कि जी वाल्मीकि समाज को हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, दिखावा सारा सिस्टम है, तो वो वाल्मीकि समाज बिल्कुल, ये तो मैं कहूँ। तो क्या सोच के आ रहे हैं आप चुनाव में, इस बार किधर जाएंगे लोग? ठीक है सर, नया विकल्प कोई खड़ा होगा? हाँ कुछ नया विकल्प आएगा, अब विकल्प आ भी रहा है भाई। नया विकल्प ये है कि बीजेपी को तो नकार चुका पूरा समाज, लेकिन यहाँ मजबूरी है, वोट तो देना है, क्योंकि वोट का हमारा राइट है, और वो वोट मैं सभी से ये कहूँगा कि भाई वोट जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। लेकिन इस बार जो सपा की लहर है, सपा को वोट करेगा पूरा समाज। हम मेरठ के विधानसभा दक्षिण में थे, जहाँ पर हमारे बीच वाल्मीकि समाज से हमारी बात हुई, और मेरठ में जो जय भीम नगर है उस कॉलोनी में 22,000 से 23,000 के करीब वाल्मीकि समाज यहाँ वोटर है, और जो इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बदलाव की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनावी खबरें जानने के लिए जुड़े रहे सीसीए से, धन्यवाद।